अगर जमीन की बात करें, यहाँ पे भी आपकी नजर जा रही है ना, ये सारी जमीन जो है ना अपनी इस खेत में यहाँ ऊपर था खड़ा हुआ। ये हिमाचल और पंजाब का फर्क है। नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। एक और वीडियो में मैं गुरनाम आपका स्वागत करता हूँ। और बच्चों, आपको पता है आज कौन आने वाला है? अभी कौन? आपकी मौसी आ रही है। कौन सी वाली? सो बड़े वाली मौसी। अच्छा, तो चलो फिर चलते हैं उनको लेने। हम जाएंगे अभी शेखपुर में। अभी आप सब जाएंगे, हम तीनों जाएंगे। लेट्स गो। सो गाइस, दोनों को ड्रॉप करना पड़ा, अब मुझे अकेले ही जाना पड़ेगा। रीजन ये है कि मैंडी की मामा ने मैंडी को पकड़ लिया, उसको नहलाना है, और जिया की ड्यूटी लगा दी गई कि रूही को पढ़ा लो, आज उसका एक एग्जाम है। सो दोनों को ड्रॉप करना पड़ा, मैं अभी अकेला ही जा रहा हूँ। लो जी, ये लग गया फाटक। यही वो फाटक है जहाँ पे जिसकी मैं बात करता था कि यार हमें एक अंदरौड़ी में भी फाटक मिलता है। ये देखो, ये है वो फाटक। आखिर इस फाटक से भी आपकी मुलाकात हमने करवा ही दी जिसका हम रेफरेंस लेते थे। गाड़ी कर लो बंद और करो गाड़ी क्रॉस होने का वेट। ट्रेन अभी आ चुकी है। अब ये देखो, लास्ट डिब्बा क्रॉस हुआ और सबने गाड़ियां स्टार्ट कर ली। तो यहाँ पे भी लोग वैसा ही करेंगे जैसा पिंजौर में करते हैं, जबकि सही टाइम ये है ही नहीं गाड़ी को स्टार्ट करने का। जब फाटक खुले उसके बाद गाड़ी को स्टार्ट करना चाहिए, जिससे आप काफी सारा फ्यूल सेव कर सकते हो। मैंने अब तक अपनी गाड़ी स्टार्ट नहीं की हुई है क्योंकि मुझे पता है अभी थोड़ा टाइम लगने वाला है, उसके बाद ही गाड़ी स्टार्ट करेंगे। ये सारा शेखपुर का एरिया आर्मी एरिया है। ये आर्मी के अंडर, मतलब आर्मी के साथ साथ ही लगता है ये एरिया, और मुझे पर्सनली काफी पसंद है ये वाला एरिया पूरा नंगल डमटाल। मैं नंगल पहुंच चुका हूँ जहाँ से मुझे उनको पिक करना है। मैं जस्ट उनका वेट कर रहा हूँ। अब यहाँ के पता चला कि मामा जी भी आ रहे हैं, उनको भी बुलाया गया था। तो कुछ प्लान है हमारा आज, कुछ डिस्कशंस होनी है जो मैंने आपको पहले भी बताया था शायद, कि बाद में आपको मैं ज़रूर बताऊंगा। बट वो थोड़ी देर में पहुंचते होंगे क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले कॉल आया था कि दीदी जो है वो मीरथल में पहुंच चुकी है। सो हार्डली 10-15 मिनट्स में वो यहाँ मेरी गाड़ी में होंगे दोनों ही लोग। जो मेरी साली साहिब है वो गुरदासपुर के पास से आ रही हैं, और मामा जी का गांव जो है वो यहाँ से 3-4 किलोमीटर की दूरी पर ही है, कौंतरपुर में, कौंतरपुर से वो आ रहे हैं। सो जस्ट वो तो पहुंच चुके हैं, बट दीदी अभी पहुंचती होंगी। फाइनली मैंने अपनी साली साहिबा को पिक कर लिया है। सो ये चेहरा जो आप देख रहे हैं ये मेरी बड़ी साली साहिब हैं, और मामा जी जैसा कि मैंने आपको बताया तो वो वहीं से मिल के चले गए, उनको कुछ काम था, उनको जाना था। हेलो, सत श्री अकाल। सो इनका भी काफ़ी बड़ा हाथ है हमको आपसे रूबरू करवाने के लिए। हमें टाइम टाइम पर गाइड करते रहते हैं कि ब्लॉगिंग कैसे की जाती है, और ब्लॉगिंग के टिप देते रहते हैं। तो बच्चे भी आपका इंतज़ार कर रहे हैं घर में, मैंडी और जिया। वो आ नहीं पाई, इवन बहुत एक्साइटेड थे वो आने के लिए, बट उनको मम्मी ने पकड़ दिया और एक की तो ड्यूटी लगवा दी। तो चलो आपको मिलवाते हैं फिर उनसे चल के आगे। तो जस्ट अभी हम पहुंचने ही वाले हैं। तो फाइनली मिल ली अपनी मौसी से। चलो ले चलो मौसी को अंदर। ये साइकिल है, इन्होंने कल इस पे बहुत मजे लिए हैं। बैग बीच में ही है दीदी। मैं कि बैग लिया निकाल के आता हूं। खुल गई। चलो, कहाँ है ये वाला बैग? है दोनों। ओ, दोनों मेरे शूज आ गए जो मेरी माँ जिया का शूज आ गया। यस, कांग्रेट्स जी, कांग्रेट्स। इसमें कांग्रेट्स वाली क्या बात है? बात है यार, तू समझती नहीं। पता नहीं कैसे बैग होते हैं। चलो 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 के बाद और मासी आए इसके पानी देना। हाँ जाओ। तनु के बर्थडे वाला किया था एंड उसकी फाइल्स तो डिलीट कर दी। नहीं देख ले है। और रिम्पी ने अभी तक सेकंड डोज नहीं लगवाई थी, तो हम सेकंड डोज लगवाने के लिए भपू जा रहे हैं। यो लगभग यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर ही है। सो गेस्ट को हम बैठा के आए हैं, हमने बोला हम काम निपटा के आते हैं, उसके बाद फिर आके बातचीत करते हैं, गप्पे लड़ाते हैं, है ना रिम्पी? हाँ जी। मैं यहाँ पढ़ी हूँ। और तू यहाँ पे पढ़ी हुई है ना? हाँ, 8th class तक। कौन सा क्लासरूम था तेरा? वो वाला, वहाँ बैठती थी उधर है। ये कुछ नई बिल्डिंग भी बनी होगी? बनी है ये सब, यहाँ बना दी थोड़ा। इस साइड का नया बना है। कितने सालों बाद आ रही है यहाँ पे? टाइम हो गया 4-5 साल हो गया।
वहाँ पे होती थी आपकी प्रेयर। चलो फिर रिम्पी ने इंजेक्शन लगवा लिया, रिम्पी के स्कूल में आके लगवाया वो। रिम्पी तू इस रास्ते से जाती आती जाती होगी है ना। आज मेरे को ना स्कूल में गई तो मेरे को बहुत अपने फ्रेंड्स की याद आ रही थी सारी। हाँ, स्कूल टाइम फ्रेंड्स तो मिलवाओ कभी हमें भी उनसे, और पुरानी यादें तो ताज़ा हो ही गई होंगी तुम्हारी। मेनली हमें आज दोनों को दो डोज लग चुकी हैं। सो हल्का हल्का मुझे तो बॉडी पेन हो रहा है, फीवर का अभी पता नहीं, बाकी रिम्पी का रिम्पी से पूछ लेते हैं। नहीं मेरे को तो कुछ भी नहीं हुआ अभी तक, ठीक है अभी तक ठीक है, बट मेरा थोड़ा थोड़ा आप देखोगे तो आँखों में भी लग रहा है थोड़ी हल्की सी, मतलब थकान सी फील हो रही है। रात का पता नहीं चढ़ेगी बुखार जाने। ये कहाँ गए थे आप? हम गए थे शॉप पर। क्या लाए? ये नानी के लिए लिमका, छोटे छोटे लिमका, लिमका पीने का मन कर रहा था। छोटे ले आते, छोटे तो हैं। ये देखो हमारी ही किचन, यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखो दूध बन चुका है, पूरा तैयार है अभी। ये रूही के लिए, ये रूही के लिए रखा हुआ है ये दूध। और लिमका अभी हम लिमका पियेंगे, छोटा छोटा लिमका है। बाकी ये देखो यहाँ पे भी वो जो रैक हम लेके आए थे यहाँ पे भी लगी हुई है, बड़ी रैक है ये काफी, क्योंकि मुझे भी तो क्या है। चलो मैं अपनी मासी से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। हाय, सत श्री अकाल, और ठीक ठाक हो? हाँ जी ठीक। इनका असली नेम कुलदीप कौर है। चलो आज तुहानू हेलीकॉप्टर दिखाने हैं। यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए आते हैं, ये वाला एरिया जो है ना सारा, यहाँ ट्रेनिंग के लिए आते हैं कुछ टाइम के लिए, घुमाएंगे अपना जो टाइमिंग साइकिल है उसको कंप्लीट करके फिर चले जाते हैं यहाँ पे। इवन कभी कभी ना यहाँ पे ये बिल्कुल एक ही जगह में स्टैंड ऐसे हवा में पूरा। एक बार इसी खेत में यहाँ ऊपर था खड़ा हुआ। तो सुबह में जैसे कि इनसे आपकी इंट्रोडक्शन करवा ही चुका हूँ, साली जी है मेरी और नाम मेंटी ने बता दिया, एक बेटा है और दो बेटियां हैं इनकी। गुरदासपुर के पास ही बहादुरपुर रजोया के ये निवासी हैं, पंजाब के रहने वाले हैं, और देख ही सकते हो आप पंजाब के लोग ठीक खाते पीते होते हैं हमारी। देखो तो सही कितने मोटे हैं, अरे खाओ पियो कुछ तो मोटे होने हैं, तू खांदे नहीं तो तुम मोटे नहीं होना। अगर कोई ट्रांसफर का ऑप्शन होता ना कि किसी का मतलब पेट ट्रांसफर कर लेते तो मैं जरूर इनसे कुछ पेट ले लेता अपने लिए। देखो ये हिमाचल और पंजाब का फर्क है। हाँ, ये फर्क पंजाब का पानी है और ये हिमाचल का। बॉर्डर का फर्क तो होता ही है ना। बॉर्डर बॉर्डर का पानी, पंजाब का पानी मोटा तो हिमाचल का पतला पतला है। चलो मम्मा भी आ रहे हैं अपने पास, छोड़ से। ओ नानू जी काम कर रहे हैं, धान इकट्ठा कर रहे हैं। मम्मा सुनो मुझे कुछ बताओ, क्या बोलने वाले थे? मामा को क्यों बुलाया आपने? अब सब लड़ाते हैं। और ये देखो जितनी भी, ये देखो इधर दिखा, ये अगर जमीन की बात करें ना कि यहाँ ससुराल की इनकी जमीन कितनी कितनी है, इतनी तार लगाई हुई है। तो जहाँ जहाँ तक आपको मतलब आपकी नजर जा रही है, जहाँ जगह इस साइड भी दिखा, जहाँ पे भी आपकी नजर जा रही है ना, ये सारी जमीन जो है ना अपनी नहीं है, हमारी सिर्फ ये इतनी और है जो घर की है, बाकी वो है जो आपने पिछली वीडियो में देखा ही होगा। अब पता नहीं कब डालेगा वो ब्लॉग, वहाँ हम गए थे ना रात को, सरप्राइज दिया था जब हमने नानी उनको ना। वो तो डल चुका है, वो तो डल चुका है ब्लॉग। हाँ डल चुका है, तो निकाल ले मुँह से, ये निकालनी है, वो तो अभी भी डाली हुई है। आपकी लड़की क्या करती है? मेरी लड़की बीकॉम कर रही है अभी। अच्छा, और आपकी छोटी लड़की? वो भी बीकॉम ही कर रही है। ओके, और ये मेरी सिस्टर है, देखो मैं कितनी मोटी हूँ, कितनी पतली है। पतली का हूँ, मोटी होगी, देख लो फर्क है थोड़ा सा ना। हाँ, कौन लंबा है? सी लंबी है। हाँ, जितना मोटा होगा उतना जिया, तो जितना पतला आएगा उतना लंबा, जितना मोटा होगा उतना भारी होगा। मैं भी जितना देखो पतला होगा उतना हल्का होगा। घर में ना जब भी हम जाएंगे तो इनके घर का भी ब्लॉग बनेगा, इनके खेतों में भी जाएंगे, हर एक चीज मतलब वहाँ जाके हर चीज ब्लॉग में आपके साथ शेयर होगी। इनका घर भी दिखाएंगे, बाकी फैमिली मेंबर से भी मिलवाएंगे, और नया एरिया आपके लिए होगा, हम तो जाते रहते हैं। सो जब भी हम जाएंगे तो डेफिनेटली आपके साथ ब्लॉग शेयर होगा। चुप चुप चुप, क्या हुआ? ये देखो ब्लैक चिल्ली, तो ब्लैक चिल्ली ये तेरे मुंह में मारेंगे ना। यहाँ ग्रीन है और यहाँ ब्लैक है, तेरे ये जो कान है ना उससे हवा निकलेगी ऐसे। रेड भी है, ग्रीन। तीनों बहनों ने ना यहाँ पे ना पेड़ लगाए हुए थे, तीन पेड़ थे यहाँ पे, अपने अपने पेड़ लगाए हुए थे। उसके बारे में पूछ कि कैसे लगे। चलो बताओ बताओ पेड़ बताओ, आपने कौन सा पेड़ लगाया?
मेरे पापा ने तीन पेट लगाए सी, तीन संतरिया दे ही, एक ही मेरा सोनू दा, एक ही रिंपी दा, एक पूजा दा। और ये इनका था बड़ा था और मेरे वाला जो मैं सेंटर थोड़ा मीडियम था और छोटा बिल्कुल छोटा था। मतलब बताओ तो सही, जैसे इन्होंने लगाए ना तो उनकी हाइट भी इनकी तरह ही थी। अच्छा, मतलब उनकी जो फिजिक जो शेप बनी वो भी इनकी तरह ही थी। बड़े वाला काफी मोटा हो गया, जो बीच वाला जिसने जो जो जैसे है मतलब वैसे शेप का ही बना हुआ, ऐसी शेप का। और वो है कहां है पेड़? अभी नहीं है, वो अभी पेड़ काट दिए। ये किसका पेड़ है? ये जो है ये आउट ऑफ द बाउंड्री है, हमारी बाउंड्री। अच्छा, तेरे ना गुड़ाई करने लगे ना जैसे खुदाई, तो उसकी मतलब जड़ काट दी, जड़ खान तो फिर खत्म हो गया। मतलब कितने साल जीवित रहा वो? 7 साल रहे। आपका बचपना भी मतलब? और आप दोनों कभी बचपन में लड़े हो क्या? बिल्कुल नहीं। अच्छा, बिल्कुल नहीं। साड़ी एक खासियत होंदी ही कि अहीं दोनों भैणां ने रोटी इक्को ही थाली दे विच खानी। पूछो मैम नानी से, पूछ लो। ठीक है, दोनों भैणां कभी लड़ियां नहीं। साडा इन्ना प्यार हुंदा कि अहीं रोटी खानी है। दोनों की तरह ना हम नहीं थे, आप दोनों भाई बहन जी और मैंडी, और इतना लड़ते थे ना ये? इतना बिल्कुल भी नहीं। जिया तो बहुत लड़ते हैं। अच्छा, एक्चुअली क्या होता है ना, बहनें बहनें कम लड़ती हैं, भाई हो तो भाई बहन की लड़ाई ज्यादा होती है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा भी होता है। भाई जी तो बड़ा है ना मैंडी, तो फिर नीलू जी और लड़ाई तो होती है। अगर अगर छोटा हो ना भाई तो भी बहनों को तो मारते ही है ना ये। और पूजा को तो, पूजा तो आपसे एज में काफी छोटी थी, तो मतलब उसको तो आप बच्चे की तरह ही ट्रीट करते होंगे दोनों। हाँ हाँ, मैं तो पूजा ने अपने बच्चे वाले का पाल लिया। अच्छा, काफी एज का फर्क है। आपसे कितने छोटे हो? 16-17 साल छोटी है। और आपसे 10 साल छोटी है। अच्छा, तो वो देखो सनसेट भी होने वाला है और हमारे ब्लॉग का भी सेट होने वाला है। ब्लॉग को हम क्लोज कर रहे हैं। सो गाइस, मिलते हैं एक और नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।